उसके बाद यहाँ यूपी ठीक है स्टार्ट करते हैं सब। हम लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे राइज एंड फॉल के ऊपर। ठीक है तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, पढ़ा था कि व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, समथिंग विच इज फार अवे मीन्स रिमोट एंड गेटिंग इंफॉर्मेशन गेटिंग डाटा इज आपका सेंसिंग। ठीक है और सन जो था हमारा सोर्स एनर्जी था जिसमें से रेडियो सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिट हो रही थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो थी उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था जिसमें हमारी रेज थी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज। विजिबल रेज को थोड़ा सा ध्यान से रखना भी, आगे इसके बारे में डिस्कस होगा, जिसके अंदर आपके 7 कलर आते हैं और जिनको हम देख पाते हैं। इन्फ्रारेड रेज आपका मैग्नेटिक एंड रेडियो वेव्स, ये सारे क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। डेफिनेशन के बाद कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के उसे को हम क्या बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट आपका था इसके प्रोसेस के 7 स्टेप थे, जिसमें सबसे पहला हमें था एनर्जी सोर्स, हमें एक एनर्जी सोर्स चाहिए था जिसमें से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिट होगी, एक हमारा क्या कहते हैं जो एनर्जी होगी वो किसके इंटरेक्शन से होगी, आपके एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट होके वो ऑब्जेक्ट पे इंटरेस्ट और फोकस पे वो इंटरेक्ट करेगी, वहाँ से कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है डिपेंड करता है मटेरियल पे, जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वो स्टोर होगी जाके आपके सैटेलाइट में सेंसर पे, सेंसर एक्टिव सेंसर पैसिव सेंसर होते हैं, फिर सैटेलाइट ट्रांसमिट करेगी ग्राउंड स्टेशन पे जहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, एनालिसिस होगा और फिर एप्लीकेशन होगा। ठीक है यही आपके 7 स्टेप थे जो आपके प्रोसेसिंग में थे रिमोट सेंसिंग के। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप रेडिएशन विद एटमॉस्फेयर इंटैक्ट एंड टारगेट टू द सेंस टारगेट टू द ऑब्जेक्ट, उसके बाद था आपका सी पॉइंट जब वो ऑब्जेक्ट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके बाद था डी पॉइंट जब वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, आपका 6 पे उसको ट्रांसफर किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है विजुअल और डिजिटल फॉर्म में, और जी में क्या होता है उसका एप्लीकेशन में उसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपका था 7 प्रोसेस स्टेप ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसके बाद ये न्यूमेरिकल कराया था, इसके बाद स्टार्ट होता है आपका हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है कुछ भी अगर आपको स्लाइड चेंज ना हो रही हो, आवाज़ क्लियर ना हो रही हो तो तुरंत बता देना है। ठीक है ओके हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग। द हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का जब इन्वेंट हुआ तभी इसका इन्वेंशन स्टार्ट हो गया रिमोट सेंसिंग का। द टर्म फोटोग्राफ इज डिराइव बाय 2 वर्ड्स, ये पहले बता चुका हूँ, फोटोग्राफ जो है ड्राइव हुआ 2 वर्ड्स से, फोन्स एंड लाइट, फोटोन्स एंड लाइट, एंड ग्राफिक मीन्स राइटिंग। ठीक है तो अब एक तरीके से आप कह सकते हो कि फोटोग्राफी भी एक रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन क्या है कि आप फिजिकली कॉन्टेक्ट में आए बिना किसी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। तो फोटोग्राफ में क्या होता है आप फिजिकली कॉन्टेक्ट में बिना आए किसी चीज़ का फोटोग्राफ लेते हो और फिर उस फोटोग्राफ को देख के आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हो। ठीक है तो फोटोग्राफ भी एक क्या हो गया आपका रिमोट सेंसिंग। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको कुछ कहीं दूर ऐसा लगा यूएफओ, यूएफओ तो सभी जानते हैं अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या अनवांटेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है आपने फ़ोटो ले लिया, फ़ोटो लेने के बाद क्या हुआ फोटो लेने क्या हो गया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उसके बाद उसको जूम कर रहे हो, उसको अलग अलग कलर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, ब्लैक एंड वाइट में, रेड में, उसको आप एनहेंस कर रहे हो इमेज को, ये क्या हो गया प्रोसेसिंग और एनालिसिस।
ठीक है, और आपको लगा कि ये चीज़ जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है यूएफओ है, अनवांटेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, आपको ये पता चल गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसका यूज़ क्या होगा, आपने क्या किया, रिसर्च कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, उनको वो डाटा प्रोवाइड कर दिया। तो एक तरीके से फोटोग्राफी भी क्या हो गया, ये पूरा एक रिमोट सेंसिंग हो गया आपका। तो जब फोटोग्राफ का इन्वेंट हुआ था, तभी आपका रिमोट सेंसिंग का इन्वेंशन स्टार्ट हो गया। इन ईयर 1038 एल हैजन एन अरेबियन मैथमेटिशियन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैमरा ऑब्सक्योरा टू ऑब्जर्व सोलर एक्लिप्स। ठीक है ना, 1038 एडी में एल हैजन अरेबियन एक साइंटिस्ट, जो आपको यहाँ इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पे कैमरा है, इस कैमरे की हेल्प से सोलर एक्लिप्स को ऑब्जर्व करने को एक्सप्लेन किया गया था इनके द्वारा। फिर क्या हुआ, फिर आफ्टर इन द ईयर 1666 न्यूटन एक्सपेरिमेंटिंग विद प्रिज्म। न्यूटन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया प्रिज्म के साथ। तो उसने क्या फाउंड किया कि जब वाइट लाइट को हम पास करते हैं प्रिज्म से, तो वो अलग अलग सेपरेट उसके कलर वो सेपरेट कर देता है प्रिज्म, ठीक है, 7 कलर्स में। तो ये क्या था आपका, न्यूटन एक्सपेरिमेंट किया कि जब हमारा विजिबल लाइट, जो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके रेज होती हैं, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो मैग्नेटिक और आपका विजिबल रेज। तो विजिबल रेज जब को हमने जब प्रिज्म में ट्रांसमिट किया, तो क्या हुआ, प्रिज्म के थ्रू उसको पास किया, तो क्या हुआ, उस 7 कलर में जो आपका उसमें भी दिखाई देते हैं, क्या कहते हैं, रेनबो में, तो 7 कलर में उनको सेपरेट कर दिया। तो न्यूटन ने इस चीज़ को देखा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सर विलियम्स ने 1800 में क्या देखा कि भाई ये जो इस न्यूटन ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था कि वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया जाए, तो 7 कलर्स में ये सेपरेट हो जाती है, क्यों ना इन 7 लाइट्स का टेम्परेचर मेजर किया जाए। तो इन्होंने ये थॉट लेके इन्होंने स्टार्ट किया एक एक्सपेरिमेंट, और क्या किया इन्होंने, जहाँ पर वो प्रिज्म से लाइट पास होकर, यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, प्रिज्म से लाइट पास होकर यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिया, अलग अलग लाइट पे एक एक थर्मामीटर लगा हुआ था। तो उन्होंने क्या पाया इसमें कि जो रेड क्यों नहीं हो लाइट रही? है आपकी, सभी को नहीं हो रही है, एक को नहीं हो रही, बताओ कोई, सर हो रही है, सर हो रही है ना, सर विलियम सर का हो फोटो है रही और तो। थर्मामीटर है, ठीक है यस भाई, सर, देखो भाई यस जिसको नहीं। सर, तो क्या हुआ कि जो व्हाइट लाइट है प्रिज्म से जैसी पास की गई, जो 7 लाइट आई आपके वहाँ पे, जो किसी वॉल के ऊपर, वॉल के पास किया गया, या कोई ऑब्स्टेक लगा दिया गया, वहाँ पे थर्मामीटर भी लगा दिया गया, अब 7 लाइट जो है वो हर थर्मामीटर पे अलग अलग पड़ने लग गई। तो कुछ टाइम बाद क्या देखा गया कि उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये देखा गया कि जो रेड लाइट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसमें टेम्परेचर वेरिएशन है, इन 7 लाइट में टेम्परेचर वेरिएशन है, ठीक है, ये तो उन्होंने पता कर लिया सर विलियम ने। लेकिन एक चीज़ और इन्होंने देखी, इन्होंने क्या किया, एक और उसने उन्होंने थर्मामीटर लगा दिया, ठीक है, रेड लाइट मतलब 7 लाइट के बाद एक और थर्मामीटर लगा दिया, उसका भी टेम्परेचर बढ़ने लग गया। तो उन्होंने इससे पता किया कि यहाँ पे 7 लाइट के अलावा भी कुछ है, कोई एनर्जी और भी है इसमें। तो बाद में इन्वेंट हुआ कि वो एनर्जी क्या है आपकी, इन्फ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो उस लाइट ने का पता इन्फ्रारेड का उस टाइम पे पड़ा चाहिए। इन्फ्रारेड से हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर वेरिएशन चेक कर सकते हैं इन्फ्रारेड से। इन्फ्रारेड कैमरे भी आते हैं, आप गूगल पे सर्च करना, तो उसमें हमें वो चीज़ें भी दिख जाती हैं जिनमें जिनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है, और हम आंखों से देख पाते हैं। जैसे एक वॉल के पीछे अगर किसी इंसान को खड़ा कर दिया जाए और आप थर्मामीटर से देखो, उससे इन्फ्रारेड कैमरे से देखोगे तो दिखाई देगा, क्योंकि वॉल का टेम्परेचर और उस इंसान का, ह्यूमन का टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वॉल के पीछे कोई इंसान की शेप में कुछ है। तो इन्फ्रारेड इसलिए भी काम आया जाता है, वॉर वॉर में पता किया जाता है कि कहाँ पर लोग छुपे हुए हैं, कहाँ पर नहीं छुपे हुए हैं, और भी चीज़ों में, मेडिकल में भी इसका यूज़ किया जाता है इन्फ्रारेड का। और इन्फ्रारेड का आपका इन्फ्रारेड रिमोट भी आते हैं, दरअसल ये जो आप MI के रिमोट में एप्लीकेशन से AC या कोई और TV भी, टाटा स्काई, ये जो आप हैंडल कर लेते हो अपने मोबाइल में रिमोट ऐप डाउनलोड करके, ये भी इन्फ्रारेड पे काम करते हैं, ठीक है, और जिस मोबाइल में इन्फ्रारेड नहीं होता उसमें ये एप्लीकेशन काम नहीं करते।
तो ये सर विलियम ने 1800 में पाया गया कि हर लाइट का अपना एक टेम्परेचर वेरिएशन होता है, और एक और एनर्जी की खोज हो गई जिसको हम इंफ्रारेड कहते हैं। हाँ सर, हाँ वॉइस ब्रेक हो रही है। सर, एक सेकंड। एक सेकंड होल्ड करना, जरा मैं लैन केबल कनेक्ट करता हूँ, वाईफाई डालता हूँ। अब आ रही आवाज ठीक? बताओ। जरा बताओ भाई, आवाज ठीक आ रही है? ठीक yes, sir. है, ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 1958 में जीएफटी नड्डा ने फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ किया, यहाँ तक हो चुका था। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1989 में आर्थर बटूट ने क्या किया था? फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ भी लिया था, लेकिन यूजिंग काइट। उन्होंने किस पे लिया था? बलून यूज करके इन्होंने क्या यूज किया? काइट यूज किया फ्रांस में, ठीक है। इन्होंने देखो इतनी बड़ी काइट यहाँ पे दिखाई हुई है, इस पे कैमरा लगा दिया और एरियल फोटोग्राफ लिया, ठीक है। और 1903 में बीपी क्रॉप यूज पिजन टू ट्रांसमिट मैसेज एंड एरियल फोटोग्राफ। ये देख सकते हो आप, पिजन के ऊपर इन्होंने कैमरा लगाया हुआ है और कोई मैसेज भी ट्रांसफर किया था इन्होंने पिजन के थ्रू 1903 में। इस तरीके से धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होने लगे और ये चीज़ें होने लगी। इसके बाद 1957 में स्पुटनिक नाम से फर्स्ट सैटेलाइट, रशियन सैटेलाइट सेंड की गई थी स्पेस में, आरटीएस सैटेलाइट, 4 अक्टूबर 1957 को। फर्स्ट सैटेलाइट याद रखना, याद करने वाली चीज़ है, स्पुटनिक फर्स्ट लॉन्च की गई थी रशिया ने 1957 में। उसके बाद 1975 में आर्यभट्ट इंडिया ने लॉन्च की थी, और 1979 ने भास्कर फर्स्ट लॉन्च की थी इंडिया ने, और 1980 में रोहिणी फर्स्ट यहाँ की थी। यहाँ पे आप इन सभी की इमेज देख सकते हो, ये देख सकते हो। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, कहाँ पिजन स्टार्ट हुआ और आज यहाँ पे हम सैटेलाइट पे पहुँच गए हैं। ये इंडियन की सैटेलाइट खासकर आपको याद रखनी चाहिए, है ना। तो 1975 में फर्स्ट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था, याद रखना, आगे और डेट्स आएंगे इनको भी याद कर लेना। 1982 में ईसेंट बाय इंडिया, 1998 में आईआरएस इंडियन रिमोट सेंसिंग, ये तो आप पक्का याद कर लेना रिमोट सेंसिंग की। 1998 में आईआरएस, 2001 में जी सेट लॉन्च की थी, 2004 में एडूसेट, 2005 में कार्टोसेट, 2008 में चंद्रयान, ये याद रख लेना, 2008 में चंद्रयान, 2013 में आपका मंगलयान लॉन्च किया था, 5 नवंबर 2013, 24 सितंबर 2014, ये इसकी ड्यूरेशन थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सेगमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा। सेगमेंट, तीन सेगमेंट होते हैं, प्लेटफॉर्म सेंसर, या तो सेंसर का मैंने बताया था, एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर होते हैं, तो उनको डिटेल में पढ़ेंगे, और ऑर्बिट। प्लेटफॉर्म हो गया आपका कि जो आप रिमोट सेंसिंग कर रहे हो उसका प्लेटफॉर्म कहाँ से कर रहे हो, है ना, किसी ऑब्जेक्ट का आपको
इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आपकी पोजीशन क्या है, वो प्लेटफॉर्म हो गया, वो सेंसर जो डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, वो ऑर्बिट जहाँ पे वो आपका और चारों ओर घूम, जिस ऑर्बिट में आपका जो प्लेटफॉर्म है वो मूव कर रहा है। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं और आते हैं न्यूमेरिकल पे। देखो इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है आपके एग्ज़ाम में, राइज एंड फॉल का ही है। तो राइज एंड फॉल के देखो तीन तरह के न्यूमेरिकल हो गए। फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया सिंपल न्यूमेरिकल, तीन नहीं चार तरीके के हो गए, याद आ गए। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या हो गया आपका, फर्स्ट न्यूमेरिकल में राइज एंड फॉल की बात हो रही, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही। फर्स्ट न्यूमेरिकल में सिंपल है आपका कि आपका फर्स्ट जो आपका रीडिंग है वो बेंचमार्क है, आरएल नॉन है, उसके बाद आपका कंटिन्यूस रीडिंग्स हैं जिसमें सीपी भी आता है, एक या एक से ज़्यादा सीपी आ सकते हैं, चेंजिंग पॉइंट। सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल क्या हो गया, फ्लाइंग लेवलिंग के ऊपर। याद करो फ्लाइंग लेवलिंग वो लेवलिंग होती है, इसे रफ लेवलिंग करते हैं, ज़्यादा बड़े एरिए की करनी होती है जिसमें हमें इंटरमीडिएट साइट नहीं होती। फ्लाइंग लेवलिंग में इंटरमीडिएट साइट नहीं होती, केवल बैक साइड फोर साइड बैक साइड फोर साइड, इंटरमीडिएट साइट का कॉलम ही नहीं होगा। तो वो सिंपल है, वैसे ही जैसे किया था पहली बार वैसे ही करते जाना है। तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल आता है कि आपका बेंचमार्क जो है वो लास्ट है या बीच में कहीं बेंचमार्क है। ठीक है, वो मैं कराऊंगा, मेरे को न्यूमेरिकल का एग्जांपल नहीं मिला है कहीं पे, तो जब मिलेगा तो करा दूंगा। और एक फोर्थ टाइप का होता है मिसिंग रीडिंग, आपकी रीडिंग ही मिसिंग है। ठीक है, जैसे मैंने ब्लॉक बनाए हुए ना, मैंने नेट से लिए पिक, तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वहाँ पर ऐसे क्रॉस लगा होता है आपका ऐसे, ये मिसिंग रीडिंग है। आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, साथ में ये मिसिंग रीडिंग को भी सॉल्व करना है। तो चार टाइप के हो गए आपके राइज एंड फॉल के, और चार टाइप के सेम हो गए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के। एक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आपको, अगर राइज एंड फॉल क्लियर मेथड पता है क्या होता है और हाइट इंस्ट्रूमेंट पता है, तो चारों में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चारों आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। जैसे मिसिंग वाला है, ठीक है, बस एक बार देखना है आपको, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी उसके बाद। इसमें देखो टेबल बनी हुई जैसे आप बनाते हो, लेकिन इसमें कुछ साइड्स बैक साइड फोर साइड इंटरमीडिएट साइड मिसिंग है, लेकिन कुछ राइज एंड फॉल गिवन है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको पता है कि यहाँ पर ये राइज आ रहा है, राइज यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, ये दोनों साइड, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते, इन दोनों साइड को जब आप माइनस करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसलिए राइज आ रहा है। ठीक है, यानी कि आप इसमें से इसको इसको x मान लो तो क्या हो जाएगा, 3.650 माइनस x इज इक्वल टू 2.750 पॉजिटिव वैल्यू। तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x इधर आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप ये इंटरमीडिएट साइड निकाल सकते हो आराम से। जब इंटरमीडिएट साइड आपकी निकल जाएगी, ये टिक लगा देता हूँ जहाँ पे टिक लग गया है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आता है नेक्स्ट कॉलम पे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम पे तो आपका गिवन है आपका आरएल, तो वहाँ राइज एंड फॉल तो निकलेगा नहीं। सेकंड कॉलम में आपने इंटरमीडिएट साइड मिसिंग थी, आर राइज गिवन था, तो आपने निकाल लिया, ठीक है। थर्ड कॉलम में आते हैं, थर्ड कॉलम में दो रीडिंग गिवन है, तो आपको राइज एंड फॉल निकालना है। तो ये दोनों रीडिंग इंटरमीडिएट जो अभी आपने निकाली है और जो इस थर्ड रो की गिवन है इंटरमीडिएट, को माइनस करेंगे, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा तो राइज, नेगेटिव आएगा तो फॉल। ठीक है, तो ये भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं फोर्थ कॉलम पे, फोर्थ रो पे। फोर्थ रो में ऊपर वाली जो है इंटरमीडिएट और नीचे वाली जो इंटरमीडिएट, उनको माइनस करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो राइज, नेगेटिव आएगा तो फॉल, ये भी हो गया। अब आते हैं फिफ्थ रो में। फिफ्थ रो में क्या होगा कि आपका एक मिसिंग है बैक साइड और फोर्थ साइड गिवन है, लेकिन अगर हम फिफ्थ रो में राइज एंड फॉल निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, प्रीवियस रो का इंटरमीडिएट साइड माइनस करंट रो का फोर्थ साइड, यानी कि इसमें बैक साइड का कोई रोल नहीं है फिफ्थ रो में। तो फिफ्थ रो में बैक साइड का रोल नहीं है, तो अभी हम बैक साइड को छोड़ देते हैं और फिफ्थ रो में हम निकाल लेते हैं राइज एंड फॉल, और ये हमारा निकल गया। अब आते हैं सिक्स्थ रो में। अब सिक्स्थ रो में अगर हमें आपको राइज एंड फॉल निकालना है तो हमें फिफ्थ रो का बैक साइड चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉल गिवन है, ठीक है, तो इन दोनों का माइनस करेंगे हम, तो ये आ जाएगा फॉल, फॉल गिवन है, तो हमारी ये वैल्यू भी निकल जाएगी। सेम इन दोनों को माइनस करेंगे तो राइज एंड फॉल निकल जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर राइज एंड फॉल निकल जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर राइज एंड फॉल निकल जाएगा। यहाँ पर एक गलती की हुई है कि इंटरमीडिएट साइड माइनस में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक
ठीक है, माइनस में तो होती नहीं है रीडिंग, है ना, रीडिंग माइनस में कैसे हो जाएगी, बिल्कुल नहीं हो सकती, यहाँ पे मिस्टेक है, तो इसका ध्यान रखना है, ये माइनस नहीं होता। बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड, ये हमेशा सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। अगर इनका सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आता है तो वो फॉल होता है, सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आता है तो वो राइज होता है। तो ये यहाँ पे इसको हम काट देते हैं। अब यहाँ पे टेंथ रो में दोनों चीज़ मिसिंग है, बैक साइड भी फोर्थ साइड भी, तो हम निकाल सकते हैं इजिली, क्योंकि हमें जब हम टेंथ रो का फॉल या राइज निकालेंगे तो हमें ऊपर वाले का इंटरमीडिएट और नीचे वाले का फोर्थ साइड चाहिए। तो एक अननोन है, दो अननोन है आपका, जब एक इक्वेशन में एक अननोन है और दो नोन है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। सेम एज एलेवंथ रो में, क्योंकि ये निकल चुका है आपका, है ना, तो एलेवंथ रो में आपका इन दोनों का ये हो जाएगा, आपको ये पता है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और सारी चीज़ें इस तरह से सॉल्व करने के बाद आर एल निकालना है आपको, आर एल आपको पता है कैसे निकालते हैं, राइज है तो वो ऐड होता जाएगा, फॉल है तो नेगेटिव होता जाएगा। और आर एल निकालने के बाद आप समेशन ऑफ, समेशन ऑफ का क्या बताया था, दो इक्वेशन बताई थी, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर्थ साइड इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ठीक है, या फिर समेशन ऑफ प्राइस माइनस समेशन ऑफ फॉल इक्वल टू समेशन ऑफ लास्ट आर एल, सॉरी समेशन नहीं होता लास्ट आर एल, तो लास्ट आर एल होता है लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। सॉल्व, तो मिसिंग इक्वेशन, मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग रीडिंग का भी आपके पास न्यूमेरिकल आता है इस तरीके का, तो वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अभी तो नेक्स्ट लेक्चर भी हैं और कुछ लेक्चर मेरे को मिल जाएंगे दिवाली से पहले, आपके ज़्यादा ही लेक्चर हो जाएंगे, तो करते हैं धीरे धीरे सॉल्व। इसके बाद जो न्यूमेरिकल होगा आपका वो होगा राइज एंड फॉल का, जब बेंचमार्क आपका किसी डिफरेंट पोजीशन पर होगा, फर्स्ट पे नहीं होगा, ठीक है। तो चार हो जाएंगे, फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का हो जाएगा, फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बाद आपका क्या कहते हैं, देखते हैं फर्स्ट यूनिट में और क्या रह गया, उसके बाद आपका सेकेंड यूनिट में चलेंगे, कर्व के न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से चलेंगे, मैं क्वेश्चन पेपर के हिसाब से चल रहा हूँ, किस किस तरह के न्यूमेरिकल आए हुए हैं, और इस तरह से एक रिवीजन हो जाएगा। और आगे जाके अगर कभी भी क्लासे व्लासे ओपन होती हैं तो फिर स्टार्टिंग से हम न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके इसको आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्लास को हम लीव करते हैं, जो भी डाउट होगा आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, अभी तो 2:40 पे एक और क्लास है, 2:40 की क्लास में बहुत बच्चे एबसेंट होते हैं, एबसेंट क्यों होते हो, है ना, आपको बस लॉग इन करके सुनना ही तो है लेक्चर, कहीं भी बैठ के सुन सकते हो, अटेंडेंस क्यों कम कर रहे हो अपनी, है ना, तो लेक्चर ज़रूर अटेंड करना 2:40 वाला, अभी उसमें हम डिस्कस करते हैं।